इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड स्टिम्युलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस एंड स्टिम्युलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी में रेशियो डिस्कस करेंगे। इसका रीज़न यह है, एमिशन टू टाइप्स के होते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिम्युलेटेड एमिशन। बट लेज़र के लिए रिक्वायरमेंट होती है स्टिम्युलेटेड एमिशन की, और कंडीशन होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस एमिशन कम होना चाहिए स्टिम्युलेटेड एमिशन से। इसको इंड्यूस्ड एमिशन भी बोलते हैं, यानी कि जिस सिचुएशन में स्पॉन्टेनियस एमिशन स्टिम्युलेटेड एमिशन से कम होता है, उसी सिचुएशन में लेजर लाइट या लेजर सोर्स अच्छा हम बना सकते हैं। यानी कि लेजर सोर्स बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए हमको स्पॉन्टेनियस एमिशन से स्टिम्युलेटेड एमिशन ज़्यादा होना चाहिए। इसी को हम ज़्यादा करना चाहते हैं, और इसीलिए हम स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिम्युलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी में हम रेशियो डिफाइन कर रहे हैं। जब भी हम किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, उनमें कंपेरिजन करना चाहते हैं, तो हम निकालते हैं रेशियो। इसलिए हम यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस एंड स्टिम्युलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी का। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको हम लास्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। ये होती है पी एन एम, स्पॉन्टेनियस के लिए ये होता है ए एन एम, इसको हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये होती है प्रोबेबिलिटी और ये होता है आइंस्टीन कोफिशियंट। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसी को डिस्कस किया था। इसको कर लेंगे इक्वेशन वन कंसिडर। वैसे ही होती है ये पी एन एम एस टी, स्टिम्युलेटेड एमिशन के लिए ये होती है बी एन एम यू न्यू। इसको कंसिडर कर सकते हैं इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर ये दोनों क्या प्रोबेबिलिटी हैं, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन होने की प्रोबेबिलिटी है और ये स्टिम्युलेटेड एमिशन होने की प्रोबेबिलिटी है। हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से हम डिवाइड कर देंगे। तो यह आ जाएगा पी एन एम एस पी ओवर पी एन एम एस टी इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा ये एन एम ओवर बी एन एम इन टू, यहाँ पर हो जाएगा वन ओवर यू न्यू। ये दोनों रेशियो, अभी ये यू न्यू होती है एनर्जी डेंसिटी, जिसके लिए हमने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था आइंस्टीन रिलेशन के बेस पर। ये आया था यू न्यू इक्वल्स टू ए एन एम ओवर बी एन एम, और यहाँ पर था ये वन ओवर बी एम एन ओवर बी एन एम ई टू द पावर एच न्यू ओवर के टी और माइनस वन। ये था आइंस्टीन रिलेशन जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। यूनिक की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो यहाँ पर कितना है, ये वन ओवर है, ये वाली पूरी की पूरी टर्म उल्टी हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये ऊपर आ जाएगी और ये नीचे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा ये पी एन एम स्पॉन्टेनियस और यहाँ पर हो जाएगा ये पी एन एम स्टिम्युलेटेड। अब आप यहाँ पर देखेंगे इस वाली टर्म से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, बिकॉज ये वन ओवर है, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये कुछ इस तरीके से बच जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ये बी एम एन ओवर बी एन एम एच न्यू ओवर के टी माइनस वन। आप देखेंगे ये दोनों इक्वल होते हैं, इसको हमने प्रूफ कर लिया था लास्ट लेक्चर में। ये होता है बी एन एम इक्वल्स टू होता है बी एन एम, ये होता है एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट और ये होता है एमिशन कोफिशियंट। हम इसको नेगेटिव इसलिए बोलते हैं कि जिस तरीके से कोई पार्टिकल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, उसी तरीके से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है एनर्जी लेकर के इंड्यूस्ड में। उस सिचुएशन में दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसको हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों इक्वल मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये पी एन एम एस पी पी एन एम एस टी स्टिम्युलेटेड इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा ये ई टू द पावर एच न्यू ओवर के टी माइनस वन।
इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि दोनों एमिशन का जो रेशियो होता है वो ई टू द पावर एच न्यू ओवर के टी पर डिपेंड करता है। ये क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, और ये क्या है, स्टिम्युलेटेड एमिशन। अब हमें चेक करना है किस सिचुएशन में ये स्टिम्युलेटेड एमिशन इससे ज़्यादा हो सकता है लेज़र बनाने के लिए। तो पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं हम, और हमारे पास में फंक्शन ओनली ई टू द पावर है, ये पहला फंक्शन। हमें क्या करना है, स्पॉन्टेनियस एमिशन को कम देखना है और स्टिम्युलेटेड एमिशन को ज़्यादा देखना है। इसी के बेस पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन, इफ एच न्यू बहुत बड़ा हो के टी से, इसका ये फंक्शन है, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी होता है टेम्परेचर। तो इन दोनों में कंपैरिजन किया है, और जैसे ही कंपैरिजन किया है कि एच न्यू बहुत बड़ा होगा के टी से, तो हम इसको लिख सकते हैं एच न्यू ओवर के टी बहुत बड़ा होगा वन से, यानी कि इसको इधर लेकर आ गए, यहाँ पर वन बच गया, और जैसे ही ये वन से बहुत बड़ा होगा हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा ये पी एन एम एस पी ओवर पी एन एम एस टी इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा ये ई टू द पावर एच न्यू ओवर के टी। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो ई टू द पावर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये कम हो जाएगा और ये ज़्यादा, जैसे जैसे ये वाली वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे ये इंक्रीज होता जाएगा, मतलब ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। हमको स्पॉन्टेनियस एमिशन को कम करना है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कैसे पता लगा, हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा पी एन एम एस पी इक्वल्स टू पी एन एम एस टी ई टू द पावर एच न्यू ओवर के टी। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ने वाला है, उसका मतलब ये कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो केस फेल हो गया। इस सिचुएशन में हम नॉर्मल कंडीशन यही होती है। अब नॉर्मल सिचुएशन में तो हम आप यहाँ पर देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ रही है स्टिम्युलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी से, ये सिचुएशन वैलिड नहीं होती। तो दूसरा केस आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा केस क्या हो जाएगा, इफ एच न्यू छोटा हो बहुत छोटा हो के टी से, अभी भी इसी में कंपैरिजन कर रहे हैं, उस सिचुएशन में कितना हो जाएगा, ये उस सिचुएशन हो जाएगा ये एच ओवर के टी बहुत छोटा हो जाएगा वन से, एच न्यू होती है एनर्जी, के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी होता है टेम्परेचर। जब ये एक से बहुत छोटा हो तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल सीरीज ओपन कर देंगे, ये होती है एच न्यू ओवर के टी इक्वल्स टू वन प्लस एच न्यू ओवर के टी प्लस एंड सो ऑन। जब ये वाली वैल्यू बहुत छोटी होती है वन से, तो इसको हम ओनली वन टर्म तक ओपन कर सकते हैं, किस तक कर सकते हैं, वन टर्म्स तक ओपन कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी होती है वन से, बहुत छोटा होता है। इस सिचुएशन में इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, अगली वाली टर्म्स को नेगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है, वन से बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल है। इस सिचुएशन में कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पी एन एम एस पी ओवर पी एन एम एस टी इक्वल्स टू। अब देखेंगे जैसे ही मैं इसकी वाली ये वाली वैल्यू पुट करूँगा ये वाली, तो ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये एच न्यू ओवर के टी। अब आप यहां पर देख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं पी एन एम एस पी इक्वल्स टू एच न्यू ओवर के टी, और यहां पर आ जाएगा ये पी एन एम स्टिम्युलेटेड। अब इसकी वैल्यू क्या है, वन से छोटी है, अगर इसकी वैल्यू वन से छोटी होगी तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा पी एन एम एस पी से बड़ा होगा पी एन एम एस टी, यानी कि स्टिम्युलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी इससे ज्यादा हो जाएगी। यही सिचुएशन हमको बनानी है, पता कैसा लगा, तो आप यहां पर देखेंगे इसकी वैल्यू वन से बहुत छोटी है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं एच न्यू ओवर के टी कितना है, 0.01 है, कंसिडर कर लिया, एक से तो छोटा ही है ये कंडीशन,
दोनों का रेशियो 1 से कम है, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो तो कितना आ जाएगा, ये पी एन एम एस पी 0.1 इंटू पी एन एम एस टी। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये कितना हो गया, इसका टाइम्स हो गया, उसका मतलब ये हो गया ये पी एन एम एस पी इक्वल्स टू पी एन एम एस टी ओवर 10। अगर पी एन एम एस टी 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/10 होगा, यानी कि बहुत छोटा होने वाला है पी एन एम एस टी से। दोस्तों यहाँ पर 0.1 रखा था हमने, ये लो 0.01 कर देंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। तो इससे क्या पता लगा है, जब इसकी वैल्यू 1 से कम होती है उस सिचुएशन में ये क्या हो जाता है, ज़्यादा है इससे, यानी कि स्टिम्युलेटेड एमिशन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन से ज़्यादा हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर मैं इन दोनों में एक काम कर लेता हूँ, यानी कि पी एन एम एस टी इक्वल्स टू 1 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये पी एन एम एस पी इक्वल्स टू 1/10 आ जाएगा। आप यहाँ पर किसी को भी एक वैल्यू दो, इस रिलेशन से आपको ये पता लगेगा कि जो स्टिम्युलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी से, और यही हम चाहते थे। दोस्तों यही होता है लेज़र के लिए, जिस सिचुएशन में ये ज़्यादा हो जाएगा स्टिम्युलेटेड एमिशन, उसी सिचुएशन में लेज़र को हम डेवलप कर पाएंगे, और ये कंडीशन इस सिचुएशन में मिलती है। तो दोस्तों यहाँ से हमको ये पता लगा कि जब एच न्यू ओवर के टी बहुत छोटा होगा 1 से, उसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, स्टिम्युलेटेड एमिशन को स्पॉन्टेनियस एमिशन से ज़्यादा कर सकते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया था, और इस केस को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका होता है माइक्रोवेव के बेस पर, माइक्रोवेव, और दूसरा तरीका होता है मेटास्टेबल स्टेट। इस कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए एच न्यू बहुत छोटा हो के टी से, क्या यूज कर सकते हैं, या तो माइक्रोवेव जिसको मेजर भी बोलते हैं एम ए एस ई आर, यह क्या होता है माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो माइक्रोवेव कंडीशन में भी ये वाली कंडीशन, यानी कि माइक्रोवेव में जो एनर्जी होती है ये एच न्यू बहुत छोटी होती है के टी से, तो या तो हमको माइक्रोवेव का यूज करना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलते हैं मेजर बोलते हैं, माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और दूसरा तरीका होता है मेटा स्टेबल स्टेट का, यानी कि इन दोनों कंडीशन में हम ये वाली कंडीशन बना सकते हैं। बट नॉर्मल कंडीशन जो होती है वो ये होती है, और इस सिचुएशन में हम लेज़र डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने स्पॉन्टेनियस एंड स्टिम्युलेटेड की प्रोबेबिलिटी का रेशियो फाइंड आउट किया है, इससे हमने जानने की कोशिश की है किस सिचुएशन में स्टिम्युलेटेड एमिशन स्पॉन्टेनियस एमिशन से ज़्यादा हो सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं हो सकता है, नॉर्मल कंडीशन तो ये होती है, बट एबनॉर्मल कंडीशन एक अजीब सी कंडीशन में हमको ये इससे ज़्यादा मिल सकता है। तो ये कहाँ पर मिल सकता है, तो इसके दो केस होते हैं, एक तो होता है माइक्रोवेव जिसको हम मेजर के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है मेटास्टेबल स्टेट। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये दोनों क्या होते हैं और किस तरीके से हम ये वाली कंडीशन बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस तरीके से हम मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स, वेव एंड ऑसिलेशन, फिजिकल केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इन सभी लेक्चर सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू, शुक्रिया।